हे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। काफ़ी टाइम बाद हम तीनों बहन भाई मार्केट घूमने निकले हैं। सरोजनी नगर गए हुए हमें 2 महीने हो गए और 2 महीने से मोमोज बहुत याद आ रहे हैं सरोजनी नगर के, जहाँ से हम लोग खाते थे। तो गाइस, पहुँच गए हम लोग मार्केट में। काफ़ी गर्मी थी, हम गए थे 2:30 बजे के करीब, तीनों बहन भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी में बहुत झुलस रहे थे। वो तो अच्छा है, मैं अपने मिक्कू को कैप पहना कर ले गई थी। एक्चुअली वैसे भी गर्मी में मैं उसे कैप पहना के ले ही जाती हूँ। तो सृष्टि और शुभम को करनी थी मेन शॉपिंग और मुझे बनाना था व्लॉग, और मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ, कुछ शॉपिंग मैं भी कर लूँगी अगर मुझे कुछ समझ आ गया तो। शुभम को ये टी शर्ट पसंद आई जाने के बाद वहाँ पर, तो शुभम ने ये टी शर्ट पैक करवा ली वहाँ से। फिर इसको शर्ट्स लेनी थी, मार्केट में ज़्यादातर हाफ बाजू की शर्ट्स थी, तो उसने सोचा कि मैं हाफ बाजू की भी ले ही लेता हूँ, गर्मियाँ बहुत हैं। काफ़ी जगह उसने ट्राई करा तो उसे समझ में नहीं आया, कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कहीं पे कलर अच्छे नहीं थे। सृष्टि को अपने स्लीपर्स लेने थी और उसको एक आध कुर्ते वगैरह लेने थे, क्योंकि अब वो जॉब कर रही है तो उसको चाहिए वहाँ के लिए। फिर हम लोग आगे गए, आगे की साइड जाने के बाद फिर एक जगह पे गए, वहाँ पर शुभम को शर्ट पसंद आई, तो वहाँ पे सी ग्रीन कलर और एक ये पीच कलर की शर्ट थी, जिसमें से उसे पीच कलर की शर्ट पसंद आई। शर्ट लेने के बाद मोमो वाला वहीं साइड में था, सबसे पहले हमने अपने फेवरेट मोमो खाए। मोमो खाने के बाद फिर हम लोगों को सामने वाली मार्केट में जाना था, हमने सोचा वहाँ भी घूम के आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, देखते हैं वहाँ पर क्या ही न्यू आया है। तो पहले हमने मोमो खाए, बहुत टेस्टी मोमो होते हैं यहाँ के और स्वाद एकदम औसम, मज़ा आ गया। फिर हम लोग गए स्लीपर लेने, वहाँ पर सृष्टि स्लीपर ले रही थी और मिक्कू धीरे धीरे घूमता हुआ चला गया अपने काम की चीज़ लेने के लिए। साइड में गया तो वहाँ पे उसे स्लीपर्स दिखे, तो वहाँ पे बस उसका जिद हो गई कि अब मुझे ये लेना है। तो फिर बाबूजी को वो दिलाना पड़ा, जाके खुद ही पैसे देकर आया, खुश हो गया और लेके चल दिया बोतल को अपनी सृष्टि मम्मा के साथ, आया हाथ पकड़ के। फिर उसकी बोतल में हमने पानी भरवाया, पानी भरवाने के बाद बस खुश हो गया कि हाँ मैं अपना आराम से बोतल अपना पानी पीता हुआ चलूँगा। फिर आए हम लोग अपने कॉस्मेटिक की तरफ, तो वहाँ पे सृष्टि को लिपस्टिक वगैरह लेनी थी, उसने लिपस्टिक ली और मैंने मिक्कू ने साइड में खड़े होकर पानी पिया, उसने खुद भी पिया और मुझे भी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद बड़ा खुश हो गया कि मम्मी को पानी पिला दिया। फिर हम लोग गए आगे, वहाँ पे मुझे कुर्ता सेट पसंद आ गया था ये वाला, फिर मैंने वहाँ से ये कुर्ता लिया अपने लिए। मैंने मिक्कू के डैडी के लिए एक बेल्ट ली थी, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था। और फिर हम लोग अंदर की साइड में गए, वहाँ पर शुभम को जीन्स वगैरह लेनी थी, उसने जीन्स ली वहाँ से। तो गाइस, बहुत ज़्यादा धूप थी तो शुभम ने ये गॉगल ले लिया था अपने लिए, तो मिक्कू को ज़िद हो गई थी कि मुझे चाहिए, फिर उसने मेरे से छीन लिया, अपने जैकेट में यहाँ पे टी शर्ट पे टंगवा लिया, बस कभी निकाल रहा था कभी कुछ कर रहा था, तो शुभम को मैंने वापस रिटर्न कर लिया। तो इतना रोया कि मुझे भी चाहिए ही चाहिए, मुझे भी चश्मा लगाना है। पहले तो खुद ही टेढ़ा मेढ़ा लगा के देख रहा था, शुभम ने कहा अच्छा मेरा चश्मा तोड़ देगा। फिर शुभम दुकान पर लेकर गया, इसको न्यू चश्मा दिलवाया और ये रहा मिक्कू का चश्मा, जिसे पहन के इतना इतरा रहा था कि बस मिक्कू ही मिक्कू है और कोई नहीं है, बिल्कुल गर्दन भी तिरछी विरछी नहीं कर रहा था। तो गाइस, हो गई थी हमारी शॉपिंग, हमने कर ली है, सृष्टि ने भी, मैंने, शुभम ने, हम तीनों की शॉपिंग हो गई। शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मार्केट से, जा रहे थे हम लोग पार्किंग की तरफ, फिर उसके बाद हम लोग अपने काम में बैठ के आ गए हैं वापस। घर आए तो हमारी मम्मा ने हमारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई हुई थी और वो स्पेशल था मैंगो शेक, जो कि हमारा फेवरेट है। गाइस देखो, ये हमारी शॉपिंग है, ये मिक्कू का स्लीपर और मिक्कू का चश्मा। फिर मम्मी ने बनाया था ठंडा ठंडा मैंगो शेक, आके मैंगो शेक पिया, और हमारा बाबूजी तो रास्ते में ही सो जाता है, फैल के सोया घर में आके ठंडे ठंडे एसी के नीचे। फिर उसके बाद हमने पिया मैंगो शेक। गाइस, गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो शेक और एक ठंडा लेमन जूस, बस यही दो मेरे फेवरेट हैं, ये मिल जाए तो बस पूरा शरीर शांत हो जाता है। चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।